उस समय से यीशु उपदेश देने और यह कहने लगे, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज निकट है। संत मत्ती का सुसमाचार, अध्याय 4 पद संख्या 17। क्रिसमस में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का सुसमाचार में हम लोग सुनेंगे, प्रभु यीशु मसीह हम सबों को आह्वान देते हैं, बुलावा देते हैं पश्चाताप करने के लिए। किस प्रकार का पश्चाताप? वो कहते हैं पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज निकट है। क्या है इसका अर्थ? दो चीजों की बहुत जरूरत है प्रिय भाई बहनों, यदि हम प्रभु का अनुसरण करना चाहते हैं, प्रभु के साथ रहना चाहते हैं, प्रभु में सम्मिलित होना चाहते हैं, प्रभु जैसे पिता के साथ रहना चाहते हैं। यह है विश्वास, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, महसूस अनुभव कर सकते हैं अपने कार्यों द्वारा। दूसरी बात है पश्चाताप। यहां पश्चाताप यानी प्रभु को अपनाना, मसीह के नाम पर प्रभु को हमारे जीवन में जगह देना, प्रभु के कार्यों को हमारे कार्य बनाना, और जो हमारे अंदर अवगुण है उसको फेंक देना, जो प्रभु के गुण है उसको हमारे अंदर डालना। पश्चाताप यानी यहां पे प्रिय भाई तथा बहनों, जो अपना सोच है, जो अपना है, उसको उखाड़ कर प्रभु को हमारे अंदर लाना, यही पश्चाताप का अर्थ। पश्चाताप यानी यहां पे यह नहीं कि हम जाते हैं पाप स्वीकार करने के लिए, पापों को एक पुरोहित के द्वारा प्रभु को बतलाते हैं, उससे ज्यादा जरूरत है प्रिय भाई तथा बहनों जीवन में बदलाव लाना, नया जीवन को अपनाना, एक नया सोच को अपनाना, जो प्रभु की सोच है वो अपनाना। यदि हम प्रभु का जीवन में नजर डालें, वो किस प्रकार का अपने जीवन बिताते थे, क्या उनका कार्य था, बहनों हम उनके शिष्य हैं, हम उनके करीब हैं, हम उनका अनुसरण करते हैं, तो हमारे जीवन में भी ये गुण होना चाहिए। इसलिए प्रभु आज के दिन हम सबों को आह्वान देते हैं, तभी हम दूसरों के जीवन में काम आ सकते हैं, उनको समय दे सकते हैं, यदि बीमार है तो उनको सुन सकते हैं, शायद हमारे दो अच्छे शब्दों द्वारा उनको तसल्ली दे सकते हैं, यदि हमारे पास कुछ है उनमें बांट सकते हैं। यह सब तब संभव है प्रिय भाई तथा बहनों, जब हम प्रभु को हमारे जीवन में जगह देते हैं, प्रभु हमारे अंदर निवास करते हैं। प्रिय भाई तथा बहनों, क्रिसमस का काल है, बालक यीशु का जन्म हुआ है, बालक यीशु हमारे जीवन में, हमारे हृदय में निवास कर रहे हैं। अच्छा सौभाग्य हम सबों का है, और समय कितना अच्छा है कि हम प्रभु से मांगे, प्रभु से मांगे पश्चाताप की शक्ति, प्रभु से मांगे विश्वास का वरदान, ताकि हम जो खालीपन महसूस करते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं, प्रभु उनकी कृपा से, उनकी आशीष से हम सबों को भर दें। पहला पाठ में जैसे कहा गया है, ईश्वर हमारे अंदर है और हम ईश्वर में निवास करते हैं। यह सब संभव है जब हम ईश्वर में विश्वास करते हैं और पश्चातापी एक जीवन बिताते हैं। आइए इस कृपा के लिए प्रभु से मांगे, ताकि प्रभु हम सबों को अपनी आशीष वरदान से आलोकित करें।